नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम अग्रदूत में। मैं हूं अतुल सिंघल। दोस्तों, इस कार्यक्रम में हम समाज की ऐसी हस्तियों को आमंत्रित करते हैं जिन्होंने अपनी ईमानदारी, लगन और मेहनत के दम पर न केवल खुद एक मुकाम हासिल किया हो, बल्कि समाज के प्रति वे अपनी जिम्मेदारी को भी बखूबी निभा रहे हों। ये ऐसे अग्रदूत हैं जो मीडिया और प्रचार प्रसार की चकाचौंध से बिल्कुल दूर रहकर खामोशी से समाज को दिशा दिखाने के काम में लगे हुए हैं। समाज के दूसरे लोग इनसे प्रेरणा ले सकें, इसलिए हम ऐसे अग्रदूतों को अपने कार्यक्रम में अतिथि के रूप में बुलाते हैं। हमारे आज के अग्रदूत हैं श्री अशोक गोयल जी, जो गाजियाबाद से ताल्लुक रखते हैं और कई सारी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। गोयल साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। गाजियाबाद में रहने वाले अशोक गोयल पिछले करीब 20 सालों से समाज सेवा में लगे हुए हैं। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। मूलतः उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले से संबंध रखने वाले अशोक गोयल की गिनती व्यापारियों के हक की लड़ाई लड़ने वाले जुझारू नेताओं में होती है। सन 1953 में पिलखुआ कस्बे के एक साधारण व्यवसायी परिवार में जन्मे अशोक जी का बचपन काफी संघर्ष भरा रहा, लेकिन 13 वर्ष की अल्प आयु में ही गौरक्षा आंदोलन में हिस्सा लेकर आपने समाज सेवा की तरफ कदम बढ़ाने का संकेत दे दिया। सन 1969 में ग्रेजुएशन पूरी करने के कुछ समय बाद गोयल जी ने हैंडलूम फैक्ट्री लगा ली। व्यवसाय में खुद को स्थापित करने के साथ साथ आप समाज सेवा में भी गहरे जुड़ते चले गए। अशोक गोयल जी पिलखुआ वस्त्र व्यापारी संघ के विभिन्न पदों पर रहते हुए आज बीजेपी व्यापारी सेल के महामंत्री हैं। आपने सन 2000 में 45 दिनों तक चली अग्र वैश्य चेतना यात्रा का नेतृत्व किया। राम मंदिर निर्माण हेतु जेल यात्रा भी की। एक गौशाला का संचालन कर रहे हैं और अग्रवाल समाज में एक विशिष्ट स्थान रखते हैं। गोयल साहब, कार्यक्रम अग्रदूत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमने देखा आप इतनी सारी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं जी। 20 से ज्यादा संस्थाएं, कहाँ से मिलती है इतनी प्रेरणा आपको और ऊर्जा? देखिए, मैं जीवन के प्रारंभ से बाल्यकाल से ही, लगभग 8-9 वर्ष का था तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक बना। वहाँ जो देशभक्ति की बात होती थी और सब कुछ होता था, तो मन में कहीं ना कहीं एक उत्साह का संचार हुआ। फिर मेरा परिवार जो है उस समय आर्थिक विषमता के दौर से गुजर रहा था। मुझे मालूम है कि एक छोटी सी कपड़े की दुकान पिताजी चला रहे थे। पिलखुआ नगरी हम हैं, गाजियाबाद तो हम बाद में आए हैं जी। हैंडलूम कपड़े की नगरी पिलखुआ, हम कपड़ा बेचते थे। और आज की तरह याद है कि मेरी माँ भी परिश्रम करके, बहुत ज़्यादा परिश्रम करके, रात भर वो धोतियाँ सीती थी दुकान पर हमारी पे, दौड़ी धोती बिकती थी जोड़ की, और वो हमारी माँ भी सीती थी और जगह सिलवाती भी थी और लोगों को भी काम करने के लिए देती थी। तो देखा कि एक संघर्ष के दौर से गुजरते हुए हम निश्चित रूप से, और हमारे पिताजी ने जो व्यापार किया वो एक दाम का व्यापार, किसी को अगर 100 रुपये की चीज़ घर में आई है, 105 रुपये रेट रखें तो 104 रुपये बाराना कोई कह नहीं सकता था। तो मन में एक ऐसा भाव हुआ, जैसे 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 हम बढ़े, और मैं हाई स्कूल भी बहुत जल्द किया, 1953 का मेरा जन्म है जी, और 1964 में मैंने हाई स्कूल किया, और थोड़ा बीएससी करने में एक साल की देरी हुई, 1969 में मैंने बीएससी किया। 69 में बीएससी करने से पहले ही सन 66 में मैं पिताजी के साथ यहाँ 7 नवंबर 1966 को जो गौरक्षा आंदोलन चल रहा था, वोट क्लब पर रामेश्वरानंद जी का भाषण हो रहा था और आंसू गैस के गोले छोड़ने शुरू कर दिए गए थे, गौ रक्षा के, तीन दलाल, इंदिरा नंदा, कामराज, ये नारे लग रहे थे, वो स्वर आज भी मेरे कानों में गूंजते हैं। पिताजी के साथ था और निश्चित रूप से भावना देश के प्रति, गौ माता के लिए, जिस हर ऐसे काम के लिए जो राष्ट्रवादी विचारधारा से जुड़ा हो, वो मुझे प्रेरणा जो भी मिली वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माध्यम से ही मिली। आपने गौ रक्षा की बात की है और आपने बताया कि उस वक्त नारे लगे थे तत्कालीन प्रधानमंत्री के विरुद्ध में, लेकिन एक सवाल मेरे मन में कौंध रहा है। अभी जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने गौ रक्षा को लेकर एक बयान दिया है, काफ़ी विवादित बयान वो उनका माना जा रहा है, किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, कभी कभी कार्य क्षेत्र में आने के बाद में राजा को जन भावनाओं का सम्मान करना पड़ता है। ऐसी अनहोनी घटनाएं घटना जैसा कि ऊना में घटी जी, कुछ लोग जो अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे थे, उनका काम ही था कि मृत पशु से उसका ऊपर चमड़ा उतारना,
उन लोगों को नंगा करके कुछ लोगों ने पीटा और वो तथाकथित गौरक्षक के रूप में वो कहे गए और पीटा भी ज़्यादा उसमें। और निश्चित रूप से गौरक्षक का जब नाम आता है तो सीधा सीधा विपक्ष को ये मौका मिलता है कि वो सरकार की कार्य पद्धति पर उंगली उठाए। और कहीं सरकार का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं होता है, कहीं 3-4-5 लोग भले ही वो गौरक्षक थे या नहीं थे या क्या उद्देश्य था उनका, लेकिन जो कुछ भी हुआ वो ठीक नहीं था। किसी को भी कानून लेने का हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। तो प्रधानमंत्री जी ने अगर कहा तो उनके उसके पीछे उनकी आहत वो भावना है कि कहीं भी गौरक्षा का काम करने वाले लोग अगर गौरक्षा के काम में लगे भी हैं तो वो कानून हाथ में ना लें। कानून हाथ में वो लोग लेते हैं जो कहीं ना कहीं किसी तरीके से उसको शो करके, इसमें विपक्ष का भी कोई रोल हो सकता है कि एक तरीके से कि भाई वो लोगों ने कोई जानबूझ के ये बनाया हो, लेकिन कार्रवाई हो रही है, चल रही है। प्रधानमंत्री जी ने जो कहा वो अपनी उसी भावना के अंतर्गत कहा। हाँ, संख्या के बारे में ज़रूर उन्होंने 70-80% का नाम लिया, वो मुझे लगता है थोड़ा ज़्यादा हो गया। मतलब इतने लोग आपको लगता है कि नहीं लगे हैं? और जब आपने जन भावनाओं की बात की है तो भावनाएं तो ये है कि गोकशी पर रोक लगनी चाहिए, बीफ एक्सपोर्ट पर रोक लगनी चाहिए। हालांकि कल भी कांग्रेस के एक नेता ने कहा कि बीफ एक्सपोर्ट जो सबसे ज़्यादा हिंदू करते हैं। ये एकदम सही बात है, लेकिन ये सब जो चला आ रहा है ये कांग्रेस जो कह रहे हैं उन्हीं के समय से, उन्हीं के द्वारा दिए गए लाइसेंसों के माध्यम से चला आ रहा है। अब धीरे धीरे मुझे लगता है कि जैसे गौ के प्रति हमारी आस्था है, जैसे गौ को हम माँ मानते हैं और गौ की रक्षा के लिए उन्होंने भी कहा, और तो निश्चित रूप से मेरा ये कहना है कि धीरे धीरे इस पर रोक लगनी चाहिए। इसमें भले ही आर्थिक कष्ट उठाना पड़े लेकिन गौ माता को, क्योंकि गौ जो है वृद्ध होने के बाद भी अपने गोबर से, अपने क्या नाम जो है यूरिन से वो आर्थिक दृष्टि को सुधारने का काम करती है, कहीं भी वो बोझ नहीं है। चलिए गोयल साहब, जैसे आपने बताया कि आप गौ सेवा में लगे हैं और तमाम संस्थाओं से आप जुड़े हैं, क्या क्या काम करते हैं थोड़ा सा इन संस्थाओं में, किस तरीके से समाज को अगर हम बात करें कि आगे ले जाने की बात करें तो किस तरीके से आपका योगदान इसमें है, क्या देखते हैं आप अपने? मैं तो कोई अपने आप को ऐसा बहुत ज़्यादा योगदान देने वाला व्यक्ति नहीं मानता, लेकिन जीवन के क्रम में जैसे जैसे आगे बढ़े, चाहे वो मेरी रुचि रही हो हमेशा राष्ट्रवादी या एक ईमानदार व्यक्तियों को, जैसे प्रकाशवीर शास्त्री 1967 में चुनाव लड़ रहे थे, मुझे लगता था कि क्या देव पुरुष है, उनको देख के मैं खुश होता था। मैं BSC में पढ़ता था, उनके चुनाव कार्यालय पे जाता था, वो मेरे सिर पे हाथ रखते थे और बहुत ज़्यादा उनके लिए मैं गांव-गांव जाता था। ऐसे ही जब भावनाएं बढ़ती चली जाती हैं, 74 में मेरा व्यापार जो है थोड़ा सा अलग बदल के मैंने हैंडलूम कपड़े का व्यवसाय बढ़ाया और जो देश के अन्य भागों में भी लेकर गया। 1979 में बंगाल पहुंचा और बंगाल में जब मैं पहुंचा तो मुझसे लोग कहते थे कि अशोक जी ये माल आप जैसा दिखा रहे हैं वैसा ही आएगा, और लोग तो दिखाते कुछ हैं भेजते कुछ हैं। तो मैंने उनसे यही बात कही कि मैं पहली बार आया हूं, आप मेरे चेहरे को देखिए, अगर आपको विश्वास होता हो कि जैसा मैं दिखा रहा हूं वैसा ही भेजूंगा तो थोड़ा सा ऑर्डर दीजिए। और उस दिन का दिन है 10 अगस्त 1979 के बाद में मेरा व्यवसाय बढ़ता चला गया। माल जो भी हमने शॉल बनाते थे जहाँ भी भेजा वो पसंद आया, क्वालिटी आज तक इम्प्रूव है और आज वो बंगाल नहीं, बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और ये अपने हमारे मध्य प्रदेश से जो इलाका, हाँ छत्तीसगढ़ तो आ ही गया, 6-7 प्रांत, उड़ीसा पूरा 6-7 प्रांतों में संदीप टेक्सटाइल्स के नाम से मेरा व्यापार है और कपड़ा जा रहा है और गुडविल के साथ बिक रहा है। आपको जो है एक व्यापारी नेता के रूप में भी आपकी पहचान है और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो व्यापारियों के रहते हैं और व्यापारी सरकार से समय समय पर मांग भी करते रहते हैं। अभी हालांकि GST बिल तो पास हो गया लेकिन उसके बावजूद तमाम बातें ऐसी हैं, आप संघर्ष उनका करते हैं, क्या उम्मीदें आप सरकार से लेकर चल रहे हैं? सरकार से उम्मीदों के बारे में तो बाद में बताऊँगा, लेकिन व्यापारी के बारे में बताना चाहता हूँ। व्यापारी, मैं उस व्यापारी की बात करता हूँ जो सड़कों पर, दुकानों पर, पटरी पर या छोटे छोटे मोहल्लों में छोटी छोटी दुकानों पर बैठकर अपना व्यवसाय चलाते हैं, 12 घंटे मेहनत करते हैं, अपनी आजीविका चलाते हैं और जो कुछ बचता है उससे अपने बच्चों को पालते हैं और उसके अलावा कहीं ना कहीं भ्रष्ट अधिकारी से भी शोषण कराते हैं और जो कुछ उसके बाद भी बचता है तो धर्म कर्म में लगाने का काम करते हैं। मैं उस व्यापारी वर्ग का प्रतिनिधित्व करता जी। मेरा ये मानना है कि देश में 9 रुपये की चीज़ 9.5 रुपये में व्यापारी कहीं भी देश के कोने कोने में पहचाने में सक्षम है।
लेकिन जहाँ कहीं भी उसमें सरकारी हाथ लग जाते हैं, 9 रुपये की चीज़ वो 14 में खरीदी दिखाते हैं, 20 में बेची दिखाते हैं, उसके बाद भी घाटा दिखाते हैं। व्यापारी इस देश की रीढ़ है, अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, रोजगार व्यवस्था की रीढ़ है। एक व्यापारी अनेकों रोजगार देता है और अर्थव्यवस्था कलेक्ट करके देता है सरकार को। व्यापारी वितरण व्यवस्था के अंदर कोई चीज़ भी उपलब्ध है तो व्यापारी की वजह से उपलब्ध है, सरकारी हाथों में तो ख़त्म है। तो वहीं व्यापारी को सम्मानजनक दृष्टि से देखा जाना, उत्पीड़न और शोषण व्यापारी का ना होना, कहीं भी सरकारी अधिकारी जिस समय उसको भ्रष्ट तंत्र की वजह से भ्रष्टाचार में फंसाने के लिए उत्पीड़न करता है तो उसका विरोध करने का काम मैंने किया है। सन 2002 में व्यापारी सुरक्षा फोरम के नाम से एक संस्था स्थापित की लखनऊ में एलोरा रेस्टोरेंट में बैठ के। उससे पहले मैं विभिन्न व्यापार मंडलों से जुड़ा हुआ रहा। सन 1999 में जहाँ तक गौ की बात है, एक ऐसा कार्य भगवान ने मेरे आत्मा से मुझसे कराया कि 1996 में मेरे पूज्य पिताजी की देहावसान हो गया, तो उसी समय 1997 में कोई ज़मीन खरीदी थी तो वो एक संत आए थे तो कह रहे थे कि वे पिलखुआ में गौशाला बंद पड़ी है, गौशाला है नहीं। तो मैंने कहा भी ये ज़मीन मैंने ली है, इसमें से कुछ भाग जो है आप गौशाला के लिए ले लीजिए। के लिए दे दिया आपने। तो उसमें ट्रस्ट बनाया, ट्रस्ट में सारे समाज के 25 लोगों को ट्रस्टी बना दिया। ट्रस्ट का मतलब ये है कि हमारा उस या हमारी संतति का उस ज़मीन से कभी कोई लेना देना नहीं होगा और वहाँ वो ट्रस्ट चल रहा है। 29/1/99 को माननीय अशोक सिंघल जी ने उस गौशाला का उद्घाटन किया और आज भी उसमें 200 से ज़्यादा गाय हैं, कसाईयों से छुटी हुई गाय हैं और इतनी ज़बरदस्त तरीके से उनकी सेवा हो रही है। तो मुझे सुकून मिलता है दिल को कि एक ऐसा काम जो समाज अच्छा मानता है वो मेरे हाथ से हो पाया। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। लेकिन गोयल साहब, व्यापारियों के हक की आप लड़ाई लड़ते रहे हैं, आपने हमेशा आवाज़ उठाई है कि कर की जो दरें हैं, इनकम टैक्स खास तौर से, वो कम होना चाहिए। अब आजकल आपकी सरकार है, क्या कहना चाहेंगे? विषय कर की दरों का भी है, विषय दूसरा था जिसके लिए मैं एक यात्रा ले कर निकला था। 2007 में 9 सितंबर को सरदार पटेल की प्रतिमा लखनऊ में, वहाँ से एक विशाल यात्रा निकली, लालजी टंडन जी ने उसका उद्घाटन किया और वो यात्रा का नेतृत्व मैं कर रहा था। और उसमें हमारा ये कहना था कि बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ देश की विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था को निगलने के लिए जो आ रही हैं, देश का छोटा छोटा दुकानदार जो सब जगह अपना सामान बेचता है, अगर सब्जी वाला सब्जी बेचता है और ये सब्जी बड़े बड़े मॉल्स में बिकेगी, रिलायंस के शोरूम में बिकेगी, तो इसका मतलब ये है कि पैसे वाले छोटे व्यापारियों को, छोटे दुकानदार को, ठेले पटरी वालों को निकल जाएंगे। विदेशी सामान जो है वॉलमार्ट का हो या किसी का भी, वो यहाँ आकर बिकेगा तो हमारे जो लघु उद्योगों का ढांचा है ध्वस्त हो जाएगा। तो इसके लिए एक अच्छी यात्रा निकली वो, और 9 सितंबर की यात्रा 25 सितंबर को राजघाट पहुँची जी। और उस यात्रा का फलस्वरूप 25 सितंबर को ही एक आदेश यूपी सरकार की ओर से आया कि उत्तर प्रदेश में रिलायंस के सारे शोरूम बंद कर दिए गए और वो आज तक बंद है। उस यात्रा की उपलब्धि रही। मैंने इस प्रश्न को बहुत जगह उठाया है और मेरा ये मानना है, देखिए मेरी सरकार है लेकिन सरकार में भी मेरा निवेदन है कि चाइना का घटिया सामान और प्रत्येक क्षेत्र का सामान, आप चाहे कुछ भी ले लीजिए, पेपर ले लीजिए, ये भी ये ले लीजिए, मेज ले लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक्स ले लीजिए, खिलौने ले लीजिए, कंबल ले लीजिए, कपड़ा ले लीजिए, चादर ले लीजिए, बेडशीट ले लीजिए, हर चीज़ जीवन के उपयोग में आने वाली चाइना से आ रही है। हम तो लघु उद्योग में निर्मित सामान मंगा रहे हैं वहाँ से, और ये लोग जो चाइना वाले हमारे यहाँ से हमारा कच्चा माल मंगा रहे हैं। ये बहुत बड़ा अंतर है। हमें अपने लघु उद्योगों को बचाने के लिए, हमारे रोजगार को बचाने के लिए जब हम इतना काम कर रहे हैं, चाइना से भी बराबर ये कहना चाहिए कि हम भी तुम्हारे यहाँ से कच्चा माल मंगाएंगे यदि हम विश्व से जुड़े हुए किसी समझौते से बंधे हुए हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। 4 गुना माल हमारे यहाँ आयात होता है, निर्यात जो है 1/4 होता है। गोयल साहब, आपसे बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे लेकिन उससे पहले लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक। आज अग्रदूत कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं अशोक गोयल जी, जो गाजियाबाद के रहने वाले हैं और बहुत सारी संस्थाओं से जुड़े हैं, समाज सेवा के काम में जोर शोर से लगे हैं। क्या है उनका लक्ष्य, क्या समाज को वो संदेश देना चाहते हैं, इन सब बातों पर हम चर्चा करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। This
दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश ऑनर्ड बाय CCI Technology Education Excellence Award. Programs offered 4 years BTech courses, 2 years MTech course, PhD in engineering, LEET for diploma holders, placement in top MNCs. Please visit www.mau.ac.in. चेहरे पर मेरे पिंपल्स थे, इसके चेहरे पर भी पिंपल्स थे, चार चाहते पांच आते, सांवली त्वचा से हम मुझ पाते, छिछकती थी मैं शर्माती थी, छुप छुप के मुझ पाती थी, लेकिन फिर चले गए जैसे कभी थे ही नहीं। पेश है नई हंस नो प्योर हर्बल क्रीम, इसके प्योर हर्ब्स गोरापन लाएं, कील मुहासे जड़ से मिटाएं। हंस नो 40 वर्षों का विश्वास अब आपके पास। कैसे बचेंगी बेटियां, कैसे बढ़ेंगी बेटियां, कैसे बढ़ेंगी बेटियां, साध्वी रितंभरा की पीएम मोदी को सलाह। मेरे को ऐसा लगता है कि सरकारी तंत्र भी सक्रिय होना चाहिए। मंगलवार 16 अगस्त को रात 9 बजे नमो इंपैक्ट में सिर्फ सर्वधर्म संगम पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं अग्रदूत कार्यक्रम में अशोक गोयल जी से। गोयल साहब, आपने बताया कि आप इतनी सारी संस्थाओं से जुड़े हैं, सामाजिक संस्थाएं जिसमें बहुत सारी हैं, धार्मिक संस्थाएं हैं, जीवन में क्या आप लक्ष्य क्या लेकर चल रहे हैं? संस्थाओं से जुड़ना कोई बड़ी बात नहीं है जी। जीवन के क्षेत्र में जब आदमी कर्म क्षेत्र में रहते हैं तो कुछ ना कुछ लोग संपर्क में रहते हैं और कहीं ना कहीं वो जोड़ने के लिए कोशिश करते हैं और काम हो जाता है और हम कहीं भी सहायक बन सकें, पूरक बन सकें, ये हर व्यक्ति की इच्छा होती है। मेरा उद्देश्य ये है कि जो व्यापारी समाज है, ये जो वैश्य समाज है, इसके बारे में मैं ये सोचता हूँ कि ये इतना सहनशील है कि इसका जो उत्पीड़न शोषण होता है ये सशक्त बने, ये समृद्ध बने, ये स्वाभिमानी बने और ये देश के लिए सबसे आगे बढ़कर बलिदान करने वाला मिले, ये मेरी सोच है, अंतरात्मा में है और ये आगे तक कायम रहेगी। मैं नारा भी कहा करता हूँ, वैश्य समाज का संदेश सर्वोपरि भारत देश। आज भारत के अंदर जो बदलाव आया है, आज भारत के अंदर जो किसी तरीके से उत्थान की प्रक्रिया चली है, विदेशों में भी भारत को हम लोग जो विश्वसनीयता नहीं थी, विश्वसनीयता वो आज कायम हुई है और देश में लगने लगा है कि कोई सरकार ऐसी काम कर रही है कि विदेशों में हमारे लोग फंस जाते हैं तो उनको भी निकाल कर लाती है। देश में भी अनेकों योजनाओं के माध्यम से गरीब दुकानदारों के लिए ऐसी मुद्रा योजना और ऐसी बहुत सारी योजनाएं आई हैं, बीमा योजनाएं आई हैं, समझता हूँ कि इस दिशा में हम बढ़ते रहेंगे। आपने आयकर वाली बात बीच में छेड़ी थी, मेरा ये मानना है कि आयकर ये जो कानून बना हुआ है ये अंग्रेजों के समय से बना हुआ है और अंग्रेजों के समय के इस कानून में कहीं ना कहीं टैक्स की दरें ज़्यादा हैं और जटिलताएं ज़्यादा हैं। अगर हम इसको धीरे 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 सरल करके लाते हैं, अगर हमें काला धन पर वास्तव में प्रहार करना है तो काला धन जहां से बनता है उस प्रवृत्ति पर प्रहार करना पड़ेगा और काला धन बनने की प्रवृत्ति आती है टैक्स की ऊँची दरें। टैक्स को रखिए आप 5% से लेकर 15% तक। 2 करोड़ रुपये कमाने वाला बड़ा आदमी भी 15% के दायरे में होगा, 22-23 लाख रुपए उसके ऊपर टैक्स बनेगा, वो देकर 1.78 करोड़ रुपया देश के विकास में लग जाएगा, काला धन बिल्कुल नहीं पनपेगा। भ्रष्टाचार की शुरुआत भी यहीं से होती है। भ्रष्टाचार की शुरुआत भी यहीं से होती है। दूसरा मेरा ये कहना है कि अगर वो टैक्स की दर ऊंची है तो वो 2 करोड़ वाला 40 लाख रुपए का रिटर्न भरेगा और सारा फर्जी वाला शुरू हो जाएगा। जो ये बिल ना लेना, बिल नहीं देना, जो सरकार बुराइयां दूर करनी चाहती है उसके लिए सबसे पहले मैं चाहता हूं, सरकार से निवेदन कर रहा हूं, मेरी सरकार है, मैं उनसे भी निवेदन कर रहा हूं, लिखित में करा भी है और विचार भी निश्चित रूप से होगा। मैं ये कह रहा हूं कि रिटेल के व्यवसाय में भी 100 रुपये से ऊपर का बिल काटना अनिवार्य कर दिया जाए। छोटे से छोटे दुकानदार को मामूली सा रजिस्ट्रेशन शुल्क लेकर
इनकम टैक्स का नंबर दिया जाए, क्या बोलते हैं उसको, पैन नंबर दिया जाए और पैन नंबर बिल पर खुला हुआ हो, ताकि टिन नंबर और पैन नंबर, जी सेल टैक्स है तो टिन नंबर और इनकम टैक्स इनकम टैक्स के लिए हिसाब से पिन नंबर बिल बुक पर साफ खुला हुआ हो, और निश्चित रूप से टैक्स वस्तुएं भी कहें, निश्चित मूल्य में भी कहें, कहीं कोई मूल्यों में गड़बड़ ना कर सके, कोई मिलावट वाली चीज़ ना बिक सके, हर तरीके का एक नया सुधार इस देश में आवश्यक है। इस देश की खुदरा नीति को ठीक करने के लिए, खुदरा बाजारों को ठीक करने के लिए, कर की चोरी को दूर करने के लिए, सारा काम अच्छे से हो सके, एक व्यापारी कल्याण आयोग की भी स्थापना हो, ताकि व्यापार का विकास और व्यापारी का कल्याण दोनों विषयों पर वो करके पूरे लोगों के साथ में एक नया ऐसा वातावरण बने, ताकि भारत आर्थिक प्रगति की ओर बढ़ रहा है और बढ़ता रहे, हमारी जीडीपी मजबूत हो सके, जीडीपी की जो दर अभी 7 पॉइंट कुछ आ रही है और बढ़े, और हम एक स्वाभिमानी भारत के अंदर जी सकें। और निश्चित रूप से भारत का आज जो गौरवशाली जो इस समय चल रहा है, इसे जनता समझ भी रही है और देख भी रही है, और मुझे पूरा विश्वास है, हाँ दुख होता है JNU की घटना देखकर, जहां कुछ लोग पलते तो सरकारी पैसे पर हैं और वहां नारे लगाते हैं इंशाअल्लाह भारत की बर्बादी। चलिए उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, हाँ, वो सब लेकिन नहीं है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं आपसे, इतना संघर्षशील आपका जीवन रहा है, मैंने सवाल आपसे किया था कि आगे क्या आपको लगता है कि कुछ छूट गया, कुछ और होना चाहिए, कोई लक्ष्य लेकर चल रहे हो समाज सुधार के लिए या समाज के लिए? देखिए फिर वही बात है, ये जो किसी भी काम को अच्छा देखने की बात है, ये कभी समाप्त नहीं होती, हमेशा हम निरंतर उत्कृष्टता की ओर बढ़ें। सतत प्रक्रिया है, निरंतर ये सतत प्रक्रिया है, कुछ चीज़ें ठीक हुई हैं, कुछ चीज़ें ठीक होनी हैं, और फिर भी आगे जो जो संज्ञान में आएगा होते रहेंगे। हम सर्वधर्म संभाव के आधार पर पूरे देश में एक ऐसा वातावरण रखें कि जहां समाज के प्रत्येक वर्ग को न्याय संगत शासन मिले, कहीं भी ऐसी घटनाएं ना आए कि फलाने को प्रवेश मंदिर में नहीं करने दिया गया, या फलाने को मारा पीटा इसलिए गया कि वो दलित है, या कहीं कोई अखलाक की घटना घटी है तो कुछ लोग उसे राजनीति से प्रेरित होकर उसको UNO में ले जाने की बात ना करने लगें, कहीं बेटियां जिस तरीके से बुलंदशहर में कुचली गई हैं उनको ये ना कह दें कि भाई ये तो राजनीति हो रही है, जबकि अपराधी पकड़े गए हैं और अपराधी भी सब जानते हैं कौन है। तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहना चाहता, कुछ विकृति आई हैं ये दूर करें, सब मिलकर करेंगे, और हम तो आवाज़ उठाने के लिए एक कार्यकर्ता के नाते, एक समाज के अंग के नाते हमेशा आगे रहे हैं, हम ना कहीं झुकेंगे ना दबेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, ऐसा मेरा विश्वास। लेकिन आप हमारे जो प्रेरणा स्रोत हैं, इस कार्यक्रम में अतिथि हैं, क्या संदेश आप समाज को देना चाहेंगे? देखिए संदेश मेरा यही है कि जो जहाँ है वो अपनी आत्मा के अनुसार सेवा के कार्य, हाँ एक बात और मैं बतानी भूल गया कि अपनापन फाउंडेशन, जी हम जहाँ हैं, कोई गरीब से गरीब व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जिसके पास भोजन नहीं है, जिसके पास हाथ पैर का अभाव है, कोई और अभाव है, गरीब से गरीब व्यक्ति की सेवा के लिए आगे आएँ, हर जगह हर कस्बे में हर मोहल्ले में हम 11-11 लोगों की यूनिट बनाएँ, उसका नाम अपनापन सेवा संकल्प हो, हम अपनापन के माध्यम से उस गरीबों की सेवा करते हुए निश्चित रूप से हमें कल को जो सुखद अनुभूति होगी, चूँकि मानव जीवन जो हमको मिला है ये दुनिया में भगवान की सबसे बड़ी कृति है, इससे बड़ी कोई कृति नहीं है, इसका सही माने में उपयोग जब होगा, जब हम मानव जीवन को मानव के ही कल्याण में लगाते हुए निरंतर अपनी बात को आगे रखते हुए एक ऐसा जीवन जिए जिससे लोग दूसरे ये समझें कि ये काम ठीक है और उससे घृणा ना करें। कार्यक्रम अग्रदूत में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हम आपको एक मोमेंटो से सम्मानित करना चाहेंगे। ये मैं भी धन्यवाद देना चाहूँगा सिंगल साहब, आपने बुलाया। अग्रदूत कार्यक्रम में आज हमारे अतिथि थे श्री अशोक गोयल, जो गाजियाबाद में रहते हैं, बहुत सारी सामाजिक गतिविधियों में वो जुड़े हुए हैं, व्यापारिक नेता हैं, लेकिन उन्होंने ये कहा कि वो अपनापन फाउंडेशन के नाम से एक संस्था चलाते हैं जिसमें कोई भी व्यक्ति आकर उनसे मदद मांग सकता है, लोगों की मदद के लिए अपनापन फाउंडेशन हर वक्त तैयार रहती है। अगले सप्ताह हम किसी नए अतिथि के साथ आपकी मुलाकात करवाएंगे कार्यक्रम अग्रदूत में, तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त, नमस्कार।